स्वागत है आपका हमारे गवर्नमेंट डॉट एग्ज़ाम पर। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के लिए एग्ज़ाम टेस्ट वन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है तो इनमें से है कोटोपैक्सी पर्वत। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? तो वो करती है कांगो नदी। आनंद मत पुस्तक के लेखक हैं तो ये हैं बंकिम चंद चट्टोपाध्याय। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। मुद्रा स्फीति को रोका जा सकता है? तो ये रोका जा सकता है मुद्रा पूर्ति बढ़ाकर। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 14 में। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त हैं? तो ये है विधिक अधिकार। हाल ही में किस क्रिकेटर को विजडन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है KL राहुल को। हाल ही में आई वर्ल्ड वाइल्ड कास्ट ऑफ लिविंग 2018 सर्वे के तहत कौन दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो ये बना है सिंगापुर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 जनवरी 1956 में। विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है अफ्रीका में। नदियों का देश किस देश को कहते हैं? तो ये कहते हैं बांग्लादेश को। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो ये किया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक। भारत का सदस्य नहीं है? तो ये नहीं है G8 का। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो ये है रुपया। HTTP का सही विस्तृत रूप है? तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था लियोनार्डो दा विंसी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पेरिस में। निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता? तो ये प्रदान के इतिहास लेखन में प्रदान नहीं किया जाता है। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी का नाम क्या है? तो ये है यमुना। राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो यह है 3:2। हमारा राष्ट्र चिन्ह कहाँ से ले गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। DVD का पूरा नाम क्या है? तो यह है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क।